हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आज हम लेके आए बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध। जितने भी निबंध है मैं सारा का सारा हिंदी का पढ़ा दूंगा, आप परेशान मत होइए। हिंदी की पूरी तैयारी करवा देंगे, बायोलॉजी की पूरी तैयारी करवा देंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, यार कोई भी सब्जेक्ट बचने वाला नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और हाँ, जितना हो सकेगा उतना बेहतर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। केवल आप लोगों को सपोर्ट करना है, आप अपने इस यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी को जरूर सपोर्ट करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, चैनल को यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मुझे लग रहा है, चैनल को प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करो यार। जो रेड आइकन दिखाई दे रहा है ना, लाल कलर का बटन सब्सक्राइब वाला, प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। परेशान मत होइए, कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी पर। देखिए, हम जो भी आपको पढ़ाएंगे ना, बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। जैसे प्रदूषण क्या है, तो इसको एक फिगर में डिवाइड करेंगे ताकि आप अच्छे से लिख पाएँ, एग्ज़ाम में इसको प्रेजेंट कर पाएँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम आपको छपा छपा चीज़ दे देंगे, आप छाप के चले आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो भी देंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर, माइंड मैप तैयार करना है हमें और उसी माइंड मैप के अनुसार ही पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो यार ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और गजब का वीडियो है हिंदी वालों। सारे हिंदी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और, 499 रुपए में साल भर सभी सब्जेक्ट फुल तैयारी करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर 5 ईयर पेपर सोल्यूशन, जाइए एस के एम स्टडी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। हजारों बच्चे डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं, अब आपकी बारी है, आप भी जाइए जल्दी से उसमें ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सीटें बहुत लिमिट हैं। वैसे भी कोर्स बहुत जल्दी ही आपका मैं ख़त्म कर दूंगा, परेशान मत होइए। हर एक चीज़ मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूँ, तो जाइए वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए पेड कोर्स, ठीक ना। तो चलिए, यहाँ पे है पर्यावरण प्रदूषण और निवारण। ये पर्यावरण प्रदूषण और निवारण हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आप देखेंगे तो पेपर में भाई साहब पर्यावरण प्रदूषण क्या है, किसे कहते हैं, कैसे होता है, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए, हर बार ये पूछा जाता है। तो इसलिए हम इसको माइंड मैप के जरिए समझेंगे, उसके बाद मैं एक एक करके सारा का सारा आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, आप परेशान मत होइए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले समझने का तरीका क्या है, आप जरा सोचिए कि पर्यावरण में प्रदूषण होता है तो प्रदूषण क्या है, सबसे पहले सोचिए। जैसे कि हम केला मार्केट से खरीद कर लेके आए, उसको खाएं, खाने के बाद उस छिलके को जो है हम घर में ऐसी रख देते हैं और आप देखेंगे तो कुछ दिनों बाद वो केले का जो छिलका होता है सड़ जाता है, सड़ के उसमें से बदबू निकलने लगती है। तो क्या है वो, उसमें से गंध निकल रही है, तो वो क्या कर रहा है, आपके कमरे को प्रदूषित कर रहा है, मतलब गंध दे रहा है, ठीक है ना, उसको क्या कर रहा है, वो प्रदूषित कर दे रहा है और वही क्या है, प्रदूषण है। उसी प्रकार जिस प्रकार आप एक कमरे में एक केला है सड़ गया और वो प्रदूषित कर दिया आपके कमरे को, उसी प्रकार हमारा जो वातावरण है, हमारा देश है, इसको कौन प्रदूषित कर रहा है, भाई साहब बड़े बड़े उद्योग, उद्योगों से निकलने वाले धुएं, जो ये उद्योग है ना, उद्योग है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब प्रदूषित कर रहे हैं। जो भट्ठे होते हैं आप लोग देखते हैं मार्केट में लगे हुए हैं, ईंट निकलते हैं, ये सब क्या है, ये सब अपने वातावरण को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। यही नहीं, ध्वनि प्रदूषण भी, साउंड का उपयोग करते हैं, डीजे बजाया जाता है, मानक से भी ज़्यादा देखते हैं कि लोग बजाने लगते हैं, जहाँ पे अलाउ है 2 स्पीकर वहाँ पे 10 स्पीकर लगा के बजा रहे हैं, तो सब क्या कर रहे हैं, वो सब प्रदूषित ही कर रहे हैं। हम लोग पॉलिथीन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, और केमिकल पदार्थों का यूज किया जाता है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये हमारे पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ, प्रदूषण क्या है, ऐसे पदार्थ जो हमारे वातावरण को दूषित कर देते हैं उसे हम लोग प्रदूषण कहते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए, प्रदूषण में हम लोग यहाँ पे 2-3 निकले हैं, एक तो प्रदूषण के प्रकार देखेंगे कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं और फिर प्रदूषण के कारण, आखिरकार ये प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो प्रदूषण के प्रकार कितने प्रकार के हो जाएंगे, ये माइंड मैप तैयार करिएगा, याद करने का टेक्निक है ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो उसको अच्छे से लिख दें। तो प्रदूषण क्या है पहले आप समझ गए, ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है भाई साहब, उसको उसके बाद आपको करना है यहाँ पे। तो जब माइंड मैप तैयार हो जाएगा ना तो याद बहुत अच्छा होगा। अब देखिए,
सबसे पहले हम बता दें कि प्रदूषण क्या है। अब प्रदूषण के प्रकार, अब याद करिए प्रदूषण कितने प्रकार के, चार प्रकार के, तीन निकाल लीजिए। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा रासायनिक प्रदूषण। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण, ये हो गया। फिर प्रदूषण के कारण, आखिरकार क्या क्या प्रदूषण के कारण है, उसके बाद इसी में हम लोग लास्ट में देख लेंगे उपसंहार। उपसंहार यानी कि इसको खात्मा कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक माइंड मैप है, तैयार कर लीजिए। वैसे इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसके मिशन मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए, हर एक चीज आपको मिल जाएगी, उपलब्ध करवा देंगे हम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये पर्यावरण भाई साहब प्रदूषण होता क्या है, ये प्रदूषण है क्या, इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे आप लोग, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। यदि वातावरण शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, तो हमारा दिमाग भी अच्छा काम करेगा, नए नए जीव भी विकास करेंगे। प्रदूषण अगर है कोई भी, मतलब कि कह सकते हैं कि जो वातावरण है बहुत गंदा है, तो आपको गंध के कारण कोई दिमाग में विचार आएंगे कि यार बेकार है यहाँ पे, मन ही नहीं लगेगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो स्वच्छ वातावरण में जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व तो आ जाते हैं, वो वातावरण को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक है। अब कुछ हानिकारक तत्व तो जैसे पॉलिथीन है, कोई सड़ा गला सामान है, जानवरों की जब मृत्यु हो जाती है तो उसको गड्ढे में दफनाना चाहिए, लेकिन लोग खुले में फेंक देते हैं, तो वो भी बदबू देगा ना, तो वो भी तो गंदगी कर रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं, और जो ये प्रदूषण हो रहा है, हमारा वातावरण दूषित हो जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या को असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, यानी कि जो जनसंख्या है लगातार वृद्धि हो रही है। पहले कितने करोड़ ही थे, आज तो 125 करोड़ भारत की जनसंख्या है। जितने ज्यादा लोग उतनी ही ज्यादा गंदगी, उतना ही ज्यादा सामानों का यूज करेंगे, फेंकेंगे, तो गंदगी तो फैली ना। और औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है, कारें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, और अन्य सारे कपड़े के प्लांट खुल रहे हैं बनने के लिए, तो ये सब क्या है, ये सब अपने वातावरण को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। औद्योगिक और रासायनिक कूड़े कचड़े के ढेर से पृथ्वी, हवा, पानी दूषित हो रहे हैं। क्लियर है इतना। अब देखेंगे प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण भाई साहब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रदूषण आपके चार प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला वायु प्रदूषण, पहला क्या है, वायु प्रदूषण। दूसरा जल प्रदूषण। तीसरा ध्वनि प्रदूषण। चौथा रासायनिक प्रदूषण। वायु प्रदूषण जैसे धुआं, क्या है धुआं, क्या है यह सब, क्या होते हैं, वायु प्रदूषण है। और जो मरे हुए जानवर होते हैं, मरे हुए जानवर जानवर ये सब क्या करते हैं, ये जल को, मतलब सॉरी वायु को क्या करते हैं, प्रदूषित, क्योंकि यहां से गंध निकलता है मरने पे ना, ठीक है ना। ध्वनि प्रदूषण जैसे साउंड, साउंड और हार्न, हार्न भी क्या करते हैं, ध्वनि को प्रदूषित करते हैं। जल प्रदूषण जैसे कि जो कचरे होते हैं, कचरे कचरे ले जाके हम लोग फेंक देते हैं, और वो बहकर हमारे नदियों में चला जाता है, और वो क्या कर रहा है, जल को प्रदूषित कर रहा है। रासायनिक प्रदूषण जैसे कि यूरिया, यूरिया अन्य प्रकार के भी बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, अन्य प्रकार के भी रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला हम लोग देखने वाले यहाँ पे वो देखेंगे वायु प्रदूषण। ये वायु प्रदूषण होता क्या है भाई साहब, इसका पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ पर, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर। तो जाइए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाए, डाउनलोड कर लीजिए। अभी वायु प्रदूषण क्या होता है देख लीजिए। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते रहते हैं। इससे वातावरण में
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, किंतु मानव अपने अज्ञानवश और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करता रहा है। ठीक है ना। इसके बाद है दूसरा आपका जल प्रदूषण। ये जल प्रदूषण क्या होता है? जल प्रदूषण क्या होता है? सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक भाग है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं और यह भोजन पानी में घुला रहता है। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व जैसे कार्बन, अकार्बनिक पदार्थ, गैसें घुले रहती हैं। यदि जल में यह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है और वही जल प्रदूषित जल कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा वाला है आपका ध्वनि प्रदूषण। ये भाई साहब ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? ध्वनि प्रदूषण आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें और लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि में श्रवण शक्ति का ह्रास हो रहा है और कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कभी कभी पड़ोस में लाउड स्पीकर बजने से रात भर नींद नहीं आती। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? रासायनिक प्रदूषण। अब ये भाई साहब रासायनिक प्रदूषण क्या है इसको देख लेते हैं। तो रासायनिक प्रदूषण में आप लोग क्या लिखेंगे? आप सीधा लिखिएगा कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से उपयुक्त कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। अब है प्रदूषण के कारण। ऐसे क्या क्या हैं जो प्रदूषण के मेन कारण हैं? तो प्रदूषण की सबसे मेन कारण है जनसंख्या। तो प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने वाली वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति अपना मुंह फैलाए जा रही है। जिस प्रकार सुरसा एक राक्षस थी, उसमें सभी लोग समाये जा रहे थे, उसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि हो रही है भाई साहब। ठीक है ना। हम तो हमारे दस की देख रहे हैं हो रहा है इस समय। ठीक है ना। लेकिन हालांकि सरकार लागू भी कर दी है हम दो हमारे दो। जनसंख्या में जिस तेजी के साथ विस्तार होता जा रहा है, उतनी ही तेजी से आदमी यानी मनुष्य की सुविधाओं में ह्रास होता जा रहा है। रहने के लिए स्थान की भारी कमी आ रही है और खाने की संतुलित भोजन उपलब्धता कठिन हो रहा है। जैसे सोचिए कि एक कमरा है, इसकी क्षमता है 5 लोगों की। अब वो बाद में चलकर ये लोग 50 लोग हो गए और बच्चे पैदा करके, तो क्या रहने का स्थान बचेगा? क्या नहीं, कमी हो जाएगी। ठीक है ना। खाने में भोजन की कमी हो जाएगी तो बहुत सारे कमियां आ जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद नीचे देखेंगे दूसरा क्या कारण है? विज्ञान है। अब विज्ञान किस प्रकार से है? पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण विज्ञान है। विज्ञान के आविष्कार जहां मानव जात के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुए हैं, वहीं मानव का भयंकर आहित भी हुआ। विज्ञान ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया। इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है। कारखानों की ऊंची ऊंची चिमनियों से दिन रात निकलने वाले धुओं की अपार रात सारे वातावरण को दूषित करती रहती है। धुओं से सारा वातावरण काला दिखाई देता है। इसके साथ ही इन कारखानों से निकलने वाला दूषित जल जहां भी जाकर स्वच्छ जल में मिलता है, वहां जल का विषाक्त तो हो जाता है। और बड़ी बड़ी नदियां में जहां जहां ऐसे कारखाने का जल निकलता है, वहां बड़ी बड़ी दूर तक नदियां का जल विषाक्त तो हो जाता है और उनमें कोई भी जंतु जीवित नहीं रह पाता। आगे लिखे कि आगे आखिरकार ये प्रदूषण को कैसे रोका जाए, यानी प्रदूषण की रोकथाम के उपाय क्या क्या हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें आप लोग डायरेक्ट लिखिए, पर्यावरण को दूषित करने वाली परिस्थितियां आज मानव के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी हैं। वातावरण को दूषित करने में
हम सभी जिम्मेदार हैं, अतः इसका निदान भी हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय है तो यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। असीमित जनसंख्या रहने से पर्यावरण दूषित होने की संभावना कम रहेगी, साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी किया जाए, ठीक है ना। तो ये मतलब ये कह सकते हैं कि पर्यावरण पर रोकथाम के लिए पेड़ लगाया जाए, जनसंख्या में कमी की जाए इत्यादि, ये सब पर्यावरण प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लास्ट में उपसंहार लिखने के लिए रहता है। इसमें क्या लिखेंगे, मतलब उसको खत्म कैसे किया जाएगा। तो उपयुक्त उपायों से हम वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण की सारे समस्या सारे विश्व में, ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही है, ऐसा नहीं, हर जगह है। इससे कोई भी देश या क्षेत्र बचा नहीं सकता, अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। शासन द्वारा इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं, हमें उसे पूरे सामर्थ्य से उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि ये पर्यावरण प्रदूषण जो है ये रोका जा सके और हमारा देश प्रदूषित ना होने पाए और अन्य प्रकार की जो बीमारियां फैलती हैं वो रोका जा सके। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, जितना भी हो सका था अच्छे तरीके से, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध को अच्छे समझाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन वाले बच्चे और जो यूट्यूब पर हैं सब लोग तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जो कोर्स है एसकेएम स्टडी की तरफ से भाई साहब, साल भर में बस एक सल्ट के दाम से भी कम, सल्ट तो आपका 600-700 रुपये का आएगा, केवल 400 रुपये में यार पूरे साल की तैयारी करवा रहे हैं। जाइए एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन से कोर्स को जरूर परचेस करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।